Greetings from Samir Malik, Heartcare Foundation Fund, Initiative of Heartcare Foundation of India. I'm Dr. K.K. Agarwal. मेरे साथ में D.K. गुप्ता जी हैं, मेरे साथ में योगेश पंत हैं, राम सिंह है, गीता आनंद है, डॉक्टर प्राची गर्ग है, अरुणा है और मिस्टर त्यागी है. So this is our 28th of March weekly OPD. एक एक करके चालू करो योगेश. नाम बताओ अपना अपना. ये नाम ये इनकी बेटी सिरिन थी जिनका कि हम लोगों ने जो है वो जेपी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करवाया था. आप हाँ सुंदरलाल जी हैं. आप अभी नए पेशेंट हैं और इनका अभी इवेल्युएशन यहाँ पर चल रहा है और डॉक्टर साहब से बात हुई है. अभी आगे इनका प्रोसेस जो है वो हो रहा है. क्या तकलीफ होती है आपको? वो इग्नस ब्लॉक इनका लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और इनको बाईपास की जरूरत है. आप हैं चंद्रेश रॉन राम है. इनको एक पेसमेकर की जरूरत है. इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन इनको बिहार गवर्नमेंट से मिला है. कुछ ये अभी देख रहे हैं. नहीं देखा अभी अभी डॉक्टर साहब जो है इनसे मिलेंगे और मिलने के बाद में जो है आगे इवेल्युएट करेंगे. कार्डियोमायोपैथी है. इनको हमने कल इको के लिए बुलाया. ये है इनका अभी ये छोटा बच्चा है जिनको कि अभी डॉक्टर साहब ने इवेल्युएट किया है और मेदांता हॉस्पिटल के लिए जो है इनको जेपी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट थी लेकिन इनकी सर्जरी हम मेदांता में करवा के दे रहे हैं. ये सुषमा है. सुषमा है. इसका माइटर वैल रिप्लेस हुआ होगा. स्टेबल है. दवाई खा टाइम से खा रही है. कोई दिक्कत तो नहीं है. अस्पाक है. ये इसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है. एरोटिक वैल रिप्लेसमेंट है. इसको हम हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं. आगरा से है और हम इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. वैल रिप्लेसमेंट के लिए एओर्टिक वैल रिप्लेसमेंट की इसको जरूरत है. आसमा है. ये आसमा की मदर है. आसमा है. उनको जो है NHI के लिए हमने रेफर किया था लेकिन दोस्तों को जो है टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी और टीवी के बाद में जो है दोबारा से उनका जो है अभी उनको वो क्योर हो गया है. पापा की क्या दिक्कत हो रही है? भेज दो अदरवाइज बदलता भेज दो. आप सुनीता हैं और सुनीता का जो है वैल्व रिप्लेसमेंट हुआ था. फॉलो अप के लिए है. हरिहर ये नए पेशेंट. हरिहर के नए पेशेंट को हम इवेल्युएट कर रहे हैं. इनको ब्लॉकेजेस हैं. इनको RHD है. RHD विद कार्डियोमायोपैथी है. लो इजेक्शन फ्रैक्शन है. तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे डाल रहे हैं. बाकी उनके साथ ही बाकी सारे लोग इनके साथ में हैं. नसीम हाँ ये नसीम है. इसको नसीम का रहेगा. नसीम है. इसको हम पूरा इवेल्युएशन के अंदर में है. हमारी ये वीकली OPD होती है. ये कोई सरकारी संस्था नहीं है. हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो मिलकर ये संस्था को चला रहे हैं. बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसे परिवारों को ढूंढें जो अफोर्ड नहीं कर सकते और सर्जरी की ज़रूरत है. सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि क्योर है. कई बारी सर्जरी करने से आदमी की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होती. तो हम लोग ऐसे केसेस को सेलेक्ट करते हैं जिनको सर्जरी करने के बाद में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकें और क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी हम इसके अंदर में इम्प्रूव कर सकें. कोई सवाल पूछना चाहता है? धीरज आप भी इधर आ जाओ. धीरज भी हमारे साथ में है. किसी का कोई सवाल है? नहीं. एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? जैसे मेरी एक नेट ब्लॉक है तो किसी को बताते कि जब ये ऑपरेशन कराना जरूरी है. कोई कहता है कि नहीं एक नस ब्लॉक है. नाम क्या था आपका? सुंदरलाल. सुंदरलाल निकाल के तो कह रहे हैं कि वो आपकी दवाई से थोड़ी ठीक हो जाएगी. नहीं दवाइयाँ से नस ब्लॉक जो है. अगर आप तकलीफ क्या होती है आपको? अभी तो कमरे को ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है. कितना पैदल चल लेते हो? खूब चल लेता हूँ. कितना? 3-4 किलोमीटर चल लेता हूँ. बिना किसी तकलीफ के? चलिए ना बिना किसी तकलीफ के. तो सुंदरलाल CAD और मेडिकल मैनेजमेंट. अगर आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल चल लेते हो नहीं, और आपको सांस की तकलीफ नहीं है नहीं, तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखेंगे. तो फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रखेंगे. और आपका जो है LAD क्योंकि 100% ब्लॉक है तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि आपका हार्ट अटैक हो चुका है तो आपको अभी एंजियोप्लास्टी की सर्जरी की जरूरत नहीं है. मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है. आप महीने के महीने यहाँ पे आके दिखाएं. और कोई दिखाइए कागज दिखाइए. फाइल नाम बोलो ना. हरिहर निकालो ना फाइल. ना मैंने लिखा है ना अच्छे अभी. इनको
इन्होंने क्या बोला आपको मेडिकल ने? सर्जरी करनी। कहाँ डेट कहाँ दी है? डेट वोट नहीं दी। तो डेट लेके आओ। आपकी सर्जरी के अंदर में खतरा है। देखिए आपकी उम्र है 65 साल। हाँ। आपका एक वैल्व खराब है, साथ में आपका नीचे के दो चैम्बर काम नहीं कर रहे, साथ में इंजेक्शन फ्रैक्शन आपका 35% है, इसमें खतरा भी है ऑपरेशन करने पे। ठीक है, तो इस खतरे के अंदर में जो मेडिकल में डेट देंगे तो आप पूछो खतरा कितना है, फिर आके देखो। जाना तो पड़ेगा, ऑपरेशन कहाँ पर होगा? ऑपरेशन न हो दवा ठीक हो। नहीं, दवा तो हम देंगे, वो तो कल इको करके हम दवा देंगे, लेकिन अगर ऑपरेशन कराना है तो एम्स में ही होगा ना? नहीं, हम दवा खा। हाँ, दवा से हम करेंगे जो भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऑपरेशन का ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन का खतरा होता है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो हम दवाइयों से करेंगे इसको पूरा। और किसी का कोई सवाल है? सर मेरी बताइए नाम क्या भाई? नसीम की फाइल तो ये अपनी वाइफ का पूछ रहे हैं, अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। क्या था इनका? देखो नसीम, ये तो इसकी फाइल है। आपका जो है आर्टरीज जो है मेन आर्टरी ब्लॉक्ड है आपकी, तो आपको बाईपास लगेगा। ये लोग इवेल्युएट करेंगे, फिर हम आपका बाईपास के लिए डिसाइड करेंगे क्या करना है। आपका बाईपास लगेगा क्योंकि आपको बाईपास, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो एकदम से खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसके जो बाद में हुआ? क्या था ये? देख लिया ना रिपोर्ट, एंजियोग्राफी रिपोर्ट देख ली, बाकी भी जरूरत नहीं हमारे को, तो आपको इवैल्यूएट करेंगे क्या करना है। सर ये इनका फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करके रीअप्लाई करो। इनकी जो मिसेज है वो पैरालाइज है बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसके लिए चाह रहे हैं। नहीं, वो तो कागज मरीज के, ये बीवी के कागज है, बीवी का फोटो है उनका। फोटो से कैसे होगा? कहाँ रहती हैं ये? हम रहते हैं डासर नगर पंचायत गाजियाबाद। तो वहाँ पे लोकल डॉक्टर से, ये गाजियाबाद में डॉक्टर साहब रहती हैं, आप इनको कागज ला के दिखा दो, कागज ला के दिखा दो। आप डॉक्टर साहब की जगह रहते हैं? गाजियाबाद में रहती हैं, मैं आपको बात बता देता हूँ, वहाँ पे कागज दिखा देना जाके। नहीं तो यहाँ, नहीं तो अगले ट्यूसडे मैं कागज लेके यहाँ पे आ जाओ, अगले मंगलवार को कागज लेके यहाँ पे आ जाओ। और कोई है क्या? जी सर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। ये पेस मेकर वाले। हाँ। पेस मेकर लेना है। कागज दिखाओ। नाम क्या है? चंदेश्वर राम। चंदेश्वर राम फाइल दो। कलेक्ट करेंगे ना। चंदेश्वर राम। बाय वेंट्रिकुलर पेसिंग। हाँ, आपका हम देखिए ऐसा होता है, ये पेस मेकर जो होता है ये महंगा पेस मेकर होता है, तो हम इसको देखना चाहते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है, एक बार हम भी टेस्ट करना चाहेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। मरीज कौन है? मैं हूँ। तो हम कल इको करेंगे, कल सुबह मैं खुद इको करूँगा, फिर डिसाइड करूँगा क्या करना। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम लोग अपने आप पहले खुद इवेल्यूएट करते हैं, उसके साथ पे जो है। ईसीजी कहाँ है तुम्हारा? जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपके पास में ऐसा कोई मरीज है तो आप हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।